आज तेलंगाना के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। जिस तरह हमारे सातवें निज़ाम उस्मान अली ख़ान साहब जो हिस्टोरिकल पिसेस छोड़ के गए थे, चाहे वो मौसम जय मार्केट हो, चाहे ये वेल हो, ऐसे कई सारे जगह है जो ख़दीम होने के कारण कचरा कुंडियों में बदल गए हैं, तो कुछ ऐसी जगह है जो रेत मस्जिदें बन गए हैं। तो ऐसे मस्जिदों को, ऐसे कुओं को, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को साफ करने का, उन्हें रिनोवेट करने का जिम्मा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के डी रामाराव साहब ने उठाया है। जिस तरह आज बसानदीपुरम की स्टेप वेल आप देख सकते हैं, ये जो बॉडी है ये 500 साल पुरानी बॉडी है जो निज़ाम सरकार ने बसानदीपुरम जो एक उनके वजीर थे उनको गिफ्ट की थी। ये एरिया में पानी की बहुत किल्लत थी, वो किल्लत होने के कारण इस बॉडी को बनाया गया था। जिस तरह आज भी यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत है, मच्छर आ रहे थे इसमें, इसमें 7 टन से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था जिससे एरिया के पब्लिक को बहुत सारी परेशानी हो रही थी। उसको देखते हुए एरिया MLA और हमारे तेलंगाना मिनिस्टर तलासानी साहब ने रामन्ना को एक बात कही और इसको लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया। आज देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा बन चुका है। तो मैं तमाम एरिया वालों की तरफ से और तमाम हैदराबाद की तरफ से पहले तो हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ, KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे GHMC मेयर और तमाम GHMC की वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।